शालिन भनोद नज़र आए अपना प्रॉपर्टी के बारे में शेयर करते हुए स्टैन और शिव से, जहां पे शालिन ने ये कहा कि बहुत टाइम पहले आई थिंक सो मैंने एक मतलब कि खरीदा था और वो प्रॉपर्टी बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए था क्योंकि वहां पे मेन रोड बनने का था। तो मुझे वो प्रॉपर्टी मैंने आई थिंक सो 2.5 लाख समथिंग में खरीदा था 5 साल पहले और अब जाके उसका डिमांड काफी हद तक बढ़ गया था। तो वहां पे शिव ने बोला तो तुझे तो अच्छा खासा पैसा मिला होगा उस प्रॉपर्टी का। बोले हाँ मिला तो था और मैंने उससे मम्मी पापा के लिए घर भी खरीद लिया। शिव ने बोला बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और अनफॉर्चुनेटली उसको चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसका पैसा ज्यादा देता है उसका डिमांड का हिसाब से, तो ये काफी हद तक लकी इंसान को मिलता है। शालिन ने बोला कि मुझे भाई इतना कमाना है कि मेरा लाइक बेटा बेटा भी सब देख ले, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहीं पे शिव ने बोला हाँ तू इतना कमा ले कि तेरा बेटा का बेटा बेटा का बेटा को पैसे की कमी ना हो। तो शालिन ने बोला नहीं इतना नहीं मुझे करना, बस इतना करना है कि आगे का सब चीज बेहतर तरीका से हो जाए। मतलब शालिन इतना सोचते जो कि ये सोच काफी हद तक अच्छा लगा। खैर ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय।